रामलला मंदिर की स्थापना को लेकर यहाँ ब्यावर विधानसभा क्षेत्र के अंदर भारी भव्य इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए जो यहाँ पर कोटरा ग्राम पंचायत है वहाँ पर दरबार आयोजित किया गया है और यहाँ पर आज जिस तरह से अक्षत वितरित किए गए हैं, यहाँ पर भारी मात्रा में महिलाएँ उपस्थित हैं, यहाँ पर पुरुष उपस्थित हैं, ग्रामीण क्षेत्र के तमाम लोग यहाँ उपस्थित हैं। इन लोगों से हम जानना चाहेंगे आखिर में 22 तारीख को होने वाले कार्यक्रम को किस रूप में किस तरह से बनाया जाएगा। मेरे साथ यहाँ पर मौके पर उपस्थित सरपंच भी हैं जिनसे जानना चाहेंगे इस कार्यक्रम की रूपरेखा क्या रहेगी। सरपंच साहब, आखिर में इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा रहेगी वो किस तरह की रहेगी? पूरा माहौल दीपावली तरह कार्यक्रम मनाया जा रहा है और बड़े जोर दे पूरे गाँव के अंदर नई ऊर्जा के साथ में प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है, हमारे माताएँ बहनें साथ मिलकर हमारे बाबा रामदेव के प्रांगण के अंदर हम पूरे जश्न के साथ मनाएंगे। हमारे पूरे क्षेत्र में दिवाली सा माहौल आज से ही हमने ये पूरे गांव के अंदर कलश यात्रा कार्यक्रम करके हमने पूरा संदेश दिया है कि 22 तारीख को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के अंदर सत्संग का बड़ा आयोजन करेंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक सत्संग का कार्यक्रम बड़ा आयोजित की जाने वाली बात कही जा रही है। यहाँ पर और भी महिलाएं उपस्थित हैं जिनसे भी हम जानना चाहेंगे कि आखिर में क्या नाम है आपका माता जी? बोलो। नंदा जी, आखिर में जो आज कलश लेकर आई है और आज जिस तरह का रामलला मंदिर के अंदर एक मूर्ति रामलला जी की मूर्ति एक स्थापित होगी और एक भगवान राम का एक भव्य मंदिर जो अयोध्या में बनने जा रहा है उसको लेकर आपका क्या कहना और क्या खुशी आपके जाहिर कर रहे हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं एक भव्य मंदिर जो बनने जा रहा है उसको लेकर पूरे सामूहिक रूप से यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित करेंगे और सत्संग के अंदर आखिर में कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में जो भजन हैं उनको गाकर रामलला मंदिर के यहाँ पर स्थापना जो हो रही है अयोध्या के अंदर उसका एक जश्न यहाँ पर मनाने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पर हर्षोल्लास का माहौल है और यहाँ पर और भी कई महिलाएँ। क्या नाम है माता जी आपका? कमला जी, आज जो कार्यक्रम था वो क्या कार्यक्रम था? अच्छा, कलश के साथ साथ में अक्षत भी आपको दिए होंगे, चावल भी दिए होंगे वहाँ पर अयोध्या जाने के लिए जी। तो अब अयोध्या आप देखने जाएंगे? बिल्कुल, कहीं कहीं लोगों में उत्साह है कि इस अयोध्या के जो रामलला मंदिर है उस मंदिर को देखने के लिए लोग यहाँ से जाएंगे। मेरे साथ में और भी कई उपस्थित लोग हैं। क्या नाम है आपका? चतुर्था जी, आखिर में जो जिस तरह का ये कार्यक्रम भव्य आयोजित किया जा रहा है और जिस तरह से अयोध्या के अंदर एक बहुत बड़ा मंदिर भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है और उसकी 22 तारीख को एक जो भगवान राम के लला के मंदिर के अंदर जिस तरह से स्थापित होंगे उसको लेकर यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह का उत्साह देखा जा सकता है? सर्वप्रथम तो इन ग्रामवासियों का हार्दिक स्वागत करते हुए बताना चाहूँगा कि आज हमारा परम सौभाग्य है जिस राम मंदिर को मुस्लिम आक्रांतों द्वारा लगभग 500 वर्ष तोड़ा गया और भगवान श्री राम का मंदिर पुनः मतलब निर्माण किया जा चुका है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उनकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को की जानी है। उस उपलक्ष्य में ग्राम कोटा के निवासियों द्वारा जो कार्यक्रम भव्य कार्यक्रम जो आयोजन किया गया है उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। ऐसे ही मतलब जाए इस मगरे में जो जागृति आई तो वो दिन दूर नहीं है जो हमारे सपने पूरे होने में कोई। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से यहाँ पर लोगों में जागृति और एक जो उत्साह का माहौल बना है रामलला मंदिर के निर्माण को लेकर, रामलला मंदिर के अंदर जो मूर्ति स्थापना होगी उसको लेकर जो उत्साह देखा जा रहा है, काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है, महिलाओं में पुरुषों में पूरी तरह से उत्साह बना हुआ है और इसी को लेकर आगामी 22 तारीख को आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर यहाँ पर भी विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित करेंगे और आखिर में इस उत्साह को लेकर आने वाले समय के अंदर अयोध्या भी जाकर अपनी मन्नतें मांगने की पूरी कोशिश करेंगे। ये लोगों में उत्साह की देखने को मिला है। साहब, आखिर में 22 तारीख को जो एक पूरे देश के अंदर एक रामलला मंदिर के निर्माण और जिस तरह का एक वहाँ पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है उसको लेकर अपने ग्राम के अंदर किस तरह से कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा? गांव के अंदर अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है हमारे पूरे गाँव में मगरा क्षेत्र के अंदर एक दिवाली सा माहौल बना हुआ है और प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव पर 22 तारीख को हमारे गाँव के अंदर सभी जन यहाँ पे दीपक जलाकर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को हमारे गांव में भी मनाएंगे। आज भी इस अक्षत कार्यक्रम में इस अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा उपलक्ष्य में हमारे कोरटे के हजारों महिलाओं ने
युवाओं ने और बड़े बुजुर्गों ने एक साथ कलश यात्रा का प्रारंभ करके यहाँ पे 22 तारीख को सत्संग का कार्यक्रम रखने का कार्यक्रम किया और बहुत बड़ा आयोजन करेंगे, जिससे पूरे गांव के अंदर हमारे पूरे प्राण प्रतिष्ठा के साथ में जो अयोध्या में होने जा रही है उसी उपलक्ष्य में एक नई दिवाली हम मनाएंगे। कई वर्षों बाद में हमारे में सभी में पूरे ग्रामवासियों में बहुत जोश है, इसी जोश के साथ में हम 22 तारीख को कार्यक्रम हम संपन्न करेंगे। ब्यावर से भारत एक्सप्रेस के लिए विष्णुदत्त धीमान।